So, कल के ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि भाई आप घर से जब निकले थे बोल के ये निकले थे कि मैं सप्लीमेंट लेने जा रहा हूँ अपने लिए, साथ ही साथ इस वाले आईफोन का टेम्पर चढ़ाने एंड साथ ही साथ कवर लेने। बट हुआ क्या, हम लोग जो पहुंच गए वो पहुंच गए अपने गॉड प्रवीण भैया के पास एंड वहां पे हमने बहुत सारी मस्ती कर ली और जो हमें काम करना था वो काम करा ही नहीं हमने। तो एक्चुअली हम लोग अपना काम ही करने गए थे लेकिन पास में उनका जो घर पड़ता है, मैंने उनको कहा कि मैं आपके इलाके में हूँ, आपके ही एरिया में आया पड़ा हूँ। सो उन्होंने क्या करा, फटाफट से बोला कि मेरे ये लोकेशन है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे गाने की शूट हो रही है, थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। तो फिर क्या था यार, हम पहुंच गए वहीं पे और बाकी आपने तो देखा ही फिर क्या हुआ। सो मैं कसम से बताऊं ना, प्रवीण भैया से मिलके और साथ-साथ तुषार से, भाई इतना ज्यादा मजा आया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बाकी आप लोग को भी आया होगा कल के ब्लॉग में। बाकी हाँ यार, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम जो है दोपहर के 12 बज रहे हैं। ले 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 इधर आ, ओए ओए जैकी, देख रहे हो कितना ज्यादा हरामी हो रहा है, आ भी नहीं रहा, ओए इधर कहां चढ़ रहा है। सो आज जो है तेरे साथ क्या होने वाला, तुझे आइडिया है थोड़ा सा भी? है आइडिया? कह रहा है वोडाफोन है, आइडिया नहीं है। तो बाय द वे गाइस, आज जो है हम लोग अपने जैकी का जो है इंजेक्शन लगवाने जाने वाले हैं। डॉक्टर ने बोला था कि 5 दिन के बाद आना, ओए ओए रुक जा, काट मत, इसकी वैक्सीनेशन होगी जिससे कि ये किसी को काटेगा वाटेगा तो उसे कुछ नहीं होगा। शायद से यही होता है वैक्सीनेशन का, शायद से ऐसा ही कुछ इंजेक्शन लगता है, बाकी और भी कुछ होएगा इसका। ओए हट जा, तेरे लिए नहीं है ये, हट जा आगे से। सो गाइस, मेरी जो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये हो सके तो प्लीज करना, जैसे कि मैंने जो छत पे पानी लाके रखा है किसी एक कटोरे में या फिर कहीं भी आपके पास कुछ भी हो उसमें एक पानी लाके रख देना छत पे, क्योंकि जैसे कि तुम्हें पता है गर्मियों का मौसम बहुत ज्यादा स्टार्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और इस गर्मी के अंदर अपने जितने भी बर्ड्स हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको ना ही खाने के लिए अच्छे से खाना मिलता है ना ही पीने के लिए पानी मिलता है। एंड तुम्हें पता है गर्मी के अंदर आपको पानी नहीं मिलता है तो कितना ज्यादा जो है अजीब हो जाएगा। सो प्लीज इस वक्त में जो है बहुत सारे अपने बर्ड्स को जरूरत है हमारी, तो प्लीज उनकी हेल्प करो। आप भी डेली की डेली किसी चीज में छत पे पानी भर के जरूर डाल दो। और ये मेरी बातें सुन के अगर आप में से 100 लोग भी करते हैं तो हम लोग पूरे के पूरे जो 1000 बर्ड्स को बचा सकते हैं, उनकी प्यास मिटा सकते हैं। प्लीज अगर आप लोग समझ गए हो तो प्लीज ये चीज करना। बाकी मैं चलता हूँ नीचे क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो रही है ऊपर। ओ भाई छोटी गई तू तो, ओए मेरे ऊपर भी भौंकेगा है, मेरे ऊपर भी भौंकेगा, भौंकेगा मेरे ऊपर। मुझे यार ऐसा लग रहा है कि अपना जैकी बहुत ज्यादा समझदार हो गया, ये देखो पीछे देखो। तो ये जो छोटी सी लड़की है इसका नाम छोटी है, पड़ोस में ही रहती है, और इसको ऊपर देखो अपना जैकी कैसे भौंक रहा है भाई। मेहमान के ऊपर नहीं भौंकते ठीक है। अब इसको ये नहीं पता है कि आज इसके साथ क्या होने वाला है, आज इसको बड़ी वाली इंजेक्शन लगने वाली है। बताना जब तेरे को इंजेक्शन लगेगा तो कैसा लगेगा, अभी तो बहुत खेल रहा है। अरे अरे देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, रुक भी नहीं रहा मेरे गोद में। तो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कितनी तेज भागा, यानी जब ये खेलने के मूड में रहता है तो इतना ज्यादा खेलता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, और जब ना खेलने के मूड में रहता है तो क्या भाई क्या चल रहा है, ये बार बार उधर जाना बार बार इधर आना, रेस चल रही है क्या यहाँ पे 100 मीटर की। अभी इसका एक चीज करता हूँ, रेडी करता हूँ इसे पहले इंजेक्शन लगवाने के लिए। इधर आओ बेटा और चुपचाप यहीं बैठो ठीक है, तुम्हें ये हम पहनाने वाले हैं जिससे कि तुम क्लिनिक पे जाओ ना तो अच्छे दिखो। ओए मार दूंगा अगर फिर से हिला तो, आराम से पहन इसको। ओए खाना नहीं है पहनना है, रुक जा ओए ऐसे रही हो, मारूंगा बहुत मारूंगा अगर भगा तो। ये देखो भाई, यानी सुन ही नहीं रहा किसी की। अब हो गया ना सही, अब हो गया सही, अब लग रहा ना सही। गाइस मैंने इसको पहना दिया है, तो हम लोगों ने इसका घुंघरू जो निकाल दिया है क्योंकि भाई ये घुंघरू में रह ही नहीं सकता, इतना ज्यादा परेशान कर रहा है, इसी को खा रहा है बार बार। हमने सोचा क्या पता इसका गला वाला फंस जाए ज्यादा ये वो करे, तो इस वजह से निकाल ही दिया भाई। तो आज जो है टाइम आ चुका है जैकी का इसके अंदर बंद होने। जब शुरुआत में आया था तो इसी के अंदर आया था, ये आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में। आजा भाई जैकी, उधर कहाँ सो रहा है, आजा आजा आजा। सो फाइनली हमने जो है जैकी को पैक कर दिया इसके अंदर है। जैकी निकाल देंगे अभी, निकाल देंगे, कोई टेंशन नहीं है, चलो चलो चलो। ये किस तरफ का रास्ता जा रहा है? हाँ हाँ यही है, ये देख ये देख 80-81 सही बोला मैंने, स्कूटी वॉश करवाएगा। हम लोग जहाँ रुके हैं जहाँ पे स्कूटी वगैरह वॉश होती है, गाड़ी वगैरह, बाकी यार हम लोग जा ही रहे हैं, बस और बस थोड़ा सा 5 किलोमीटर दूर है। और अपना जैकी देखो,
जैकी डर रहे हो तुम? सो ये बहुत ज्यादा डर रहा है क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जब इसे लेके आए थे जब ही जो रोड पे चला है बाकी ऐसे घर में ही रहा है, तो देखो इसके चेहरे पे ही दिखाई पड़ रहा है कितना ज्यादा डर रहा है बंदा। सो यहाँ से जो पेट क्लिनिक जो है वो थोड़ा सा 5 किलोमीटर दूर है, तो हमें इस साइड चलते जाना है, पेट क्लिनिक आ जाएगा। इधर ये साइड से गई, हो रहा ना सामने 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 सामने। सो कुछ इस तरीके का यही वाला है अपने जैकी का हॉस्पिटल पेट क्लिनिक। तो यहाँ पे जो पोपट उच का मैं तो मास्क पहन के आया था लेकिन विवेक मास्क पहन के नहीं आया, तो उसके लिए मैं मास्क लेने जा रहा हूँ इस साइड से। मास्क मिल जाएगा? सो थैंक गॉड भाई मास्क मिल गया, एक तो मेरे पे था ही, एक ले लिया है मैंने। अगर ये मास्क नहीं मिलता ना तो विवेक अंदर जा ही नहीं पाता। ये तो फाइनली जो है यहाँ पे अपने जैकी का जो है वैक्सीन हो चुका है। जैकी दर्द हुआ था क्या तुम्हारे? जैकी अभी कुछ बोलने वाला नहीं है, इसके इतनी तगड़ी जो है इंजेक्शन लगी है ना जिंदगी में से कभी बार नहीं लगा होगा ना। चलें जैकी अब घर चलें, नींद आ रहा है इसको भाई इंजेक्शन लगती। गाइस एक बार कमेंट सेक्शन में जैकी के लिए ओपी हो जाना चाहिए, जो ये चिल्लाया था ना इंजेक्शन लगते ही, मैं क्या बताऊं तुम्हें। बस बस यही रोक ले। ओए आ गए हम खुशब। तो फाइनली हम लोग अपने गांव में आ चुके हैं, बोले तो अपने मार्केट में। आप अभी जैकी बाहर निकल रहा है, अभी रुक जा, अभी रॉबिन को पकड़ेगा जैसे ही बाहर निकलेगा ये। हम लोग आ गए घर पे, देखो कितना ज्यादा खुश हो गया भाई, जब से नाराज था ये। आ जा बाहर, निकल जा बाहर, जा जी ले अपनी जिंदगी, हमने छोड़ दिया तो उसको बाहर। देखो कितना ज्यादा खुश हो गया भाई उस केस के अंदर। यार मुझे भी रखने में इसको मजा नहीं आता, ठीक है। जब मैं जा रहा था इतना ज्यादा उदास था ये, आ रहा था जब भी उदास था, पूरे रास्ते में उदास रहा उस केस के अंदर रखने की वजह से। यार मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लगा, बट कोई नहीं, हमें रखना था केस में जब भी हम ले जाते बाइक पे, वरना ऐसे जा नहीं पाता। बट कोई नहीं, जो भी हो अब जाके सब कुछ सही हो गया, अपना भाई जो फिर से आ चुका है। मम्मी अरे ये क्या चल रहा है? तो मम्मी जी जो सौरभ जोशी के वीडियोस देख रही हैं, सौरभ जोशी और फ्लाइंग बीस्ट की मम्मी बहुत ज्यादा बड़ी वाली फैन है, यानी कि उनके वीडियोस देखते रहती हैं। बाकी इस भाई साहब को देखो। हेलो भाई साहब, आप कैसे सो रहे हो भाई साहब? भाई साहब हेलो, कितना नींद में हो गया ये। हेलो भाई साहब चलो भाई सोने दो भाई, इतना ज्यादा नींद में है ये। ओ ओ ओ, ओ भाई अंगड़ाई ले रहा है। ओ जैकी भाई अंगड़ाई ले रहे हो सोते सोते। अरे 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 उठा क्यों दिया, सो जा सॉरी सॉरी सॉरी, सो जा आंखें बंद कर ले। सो गाइस देखो कितना ज्यादा समझदार है अपना जैकी, चल सोते रहियो यहीं, ठीक है मैं जा रहा हूँ। सो अपन लोग चलते हैं भाई, अपन लोगों को जो वीडियो बनाना है अपने गेमिंग चैनल के लिए, बाकी मुझे इस वाले वीडियो को एडिट भी करना है फटाफट से। भाई फैन ऑन क्यों नहीं है? ओके एक मिनट यार, फैन बंद कर दू, मैं भी बिल्कुल ही पागल ही हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ और फैन मैंने ऑन कर दिया जिससे कि आप लोगों को सुनाई ना पड़ सके अगर मैं बोलूँ तो। बाकी आ गई यही था कुछ आज का व्लॉग, अगर आपको व्लॉग पसंद है वीडियो को लाइक करना। बाकी आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि रॉबिन कहाँ है, रॉबिन क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा, तो देखो रॉबिन की जो है पूरी की पूरी फटी पड़ी है, वो जो अपने सबसे नीचे बिल्डिंग पे रहता है, जैकी के सामने आता ही नहीं है, ठीक है। मैं उसे बहुत समझा रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं होता यार, देख ये तुझे काटेगा नहीं, तू डर मत बस। लेकिन जैसे जैकी आता है बस उसे सूंघने आता है या फिर उसके पास आता है, उतने में ही वो रोने लग जाता है, भाग जाता है वहां से। तो अब क्या कर सकते हैं, उसका डर कैसे हटाया जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बाकी वो डरता तो बहुत ज्यादा है यार, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सो बस यार आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन आ रहा है उसे भी ऑल पे सेट कर लेना। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में कल सुबह 8 बजे। बाय बाय।